गाइस, कुछ दिन पहले मैं आपको एक वीडियो बना के बताया था कि इस साल एंड होने तक एयरटेल और जियो अनलिमिटेड 5G डेटा देना बंद कर देगा। क्या गाइस सच में जियो और एयरटेल अनलिमिटेड 5G डेटा देना बंद कर देगा और ट्राई की तरफ से क्या अपडेट आया है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और गाइस, इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता चले जियो और एयरटेल जो अनलिमिटेड 5G डेटा प्रोवाइड कर रहा था उनके यूजर्स के लिए, क्या ये अनलिमिटेड 5G डेटा इस साल एंड होने तक सच में बंद हो जाएगा। ट्राई की तरफ से क्या राय आया है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग संजीव टॉक। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए गाइस, वीडियो में मेन टॉपिक की तरह चलते हैं। गाइस, आप लोग जानते होंगे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वी कंपनी ट्राई को कंप्लेन किया है जियो और एयरटेल की अनलिमिटेड 5G डेटा बंद करने के लिए, और इस कंप्लेन को एक्सेप्ट करते हुए ट्राई ने जियो और एयरटेल को एक नोटिस भेजा था कि 30 नवंबर तक अनलिमिटेड 5G डेटा बंद करना होगा जियो और एयरटेल को। लेकिन गाइस, 30 नवंबर तो चला गया, अगेन ट्राई ने जियो और एयरटेल को बोला है अनलिमिटेड 5G डेटा बंद करने के लिए और एयरटेल ने साफ साफ ट्राई को बोल दिया है एयरटेल उनके यूजर्स को हर महीने अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं देंगे, उनके बदले में 300 GB तक 5G डेटा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जियो ने ट्राई को बोला है हम लोग तो अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम लोग 239 और उससे ऊपर का प्लान में 5G डेटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कुछ मैटर करता है, लोकेशन मैटर करता है, 5G हैंडसेट मैटर करता है और भी बहुत सारे। गाइस, मुझे लगता है जियो और एयरटेल की पूरा इंडिया में जब 5G सर्विस रोल आउट हो जाएंगे तब जियो और एयरटेल 5G रिचार्ज प्लान ले आएंगे और वो 5G रिचार्ज प्लान बहुत ही महंगा होगा और इन सारे 4G रिचार्ज प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा देना बंद कर देगा। गाइस, आपको क्या लगता है, जियो और एयरटेल अनलिमिटेड 5G डेटा बंद कर देगा कि नहीं, और अनलिमिटेड 5G डेटा देना बंद करना चाहिए और नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और गाइस, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।